नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त औरंगाबाद में मौजूद हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण जी AIIM के प्रत्याशी मौजूद है। ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, किस तरह जनता से मुखातिब हो रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज चैनल पर। धन्यवाद। चुनावी तैयारियां कैसी चल रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो यहाँ के MLA है, जो शिवसेना के, उन्होंने आज तक 10 साल में दलित, मुस्लिम, OBC ओपन वार्ड में कहीं भी विकास नहीं करा। जहां तक मुझे मालूम है, मैंने अभी जो इलेक्शन का कैंपेन कर रहा हूं, वो कैंपेन के अंदर मैं जहां जहां देहातों में गया, मुस्लिम बस्तियों में गया, दलित बस्ती में गया, वहां पे पानी की किल्लत है, वहां ड्रेनेज लाइन नहीं है, वहां रोड नहीं है, वहां लाइट नहीं है। इस चीज को लेकर जो जनता बोमा मार रही है, जिनको काम वो जो आमदार ने करना चाहिए था, वो आमदार ने आज तक वो काम नहीं किया। इसलिए जनता का कॉल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो मुझे चुनकर दिया है, मैं उस लोगों ने आज आप देख सकते हैं आज की सभा के अंदर जो जनता का एक रिस्पांस है, माशाल्लाह आने वाले 24 तारीख को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन कहा यह भी जाता है कि AIIM जो है वो मुस्लिम की हिमायती पार्टी है, आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप खुद बहुजन समाज से आते हैं? आपके मालूमात के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पार्टी के अंदर 40 उम्मीदवार में 12 उम्मीदवार जो अदर समाज के हैं, उसमें एक मैं दलित समाज का हूँ। पैठन में एक उम्मीदवार है जो है बंजारा समाज का है। बॉम्बे में जो एक हमारा दलित समाज का मनोज संसारे साहब है, वो एक कैंडिडेट है। धुले में एक मोची समाज का जो उम्मीदवार है, वो वंचित से ऐमान से लड़ रहा है। इसके लिए ये फिरकतपुर पार्टी नहीं है, मुस्लिम पार्टी नहीं है, ये सब धर्म को, सब जाति धर्म को जो पार्टी आरोप लगा रही है, उसको आप क्या कहेंगे? वो जो पार्टी आरोप लगा रही है, मैं उनको ये बताते चलूं कि आपके मालूमात के लिए मेरे जैसे पिछड़े हुए दलित समाज के आदमी को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो टिकट दिया, मेरे पे भरोसा रखा और कौम के लिए, दलित समाज के लिए जज्बा, मेरे को काम करने का मौका दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और जो फिरका परस्त पार्टी है, वो जो बोल रहे हैं कि खाली मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की नहीं, ये पार्टी जो है सब धर्म, सब मजहब के कार्यकर्ताओं को न्याय देने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम पार्टी कर रही है। अगर आपको जनता यहाँ से चुनती है, तो क्या आप उन सारी समस्याओं को निदान करेंगे जो अभी सभी समस्याओं को सुन रहे हैं आप? आप जहाँ जहाँ भी मुस्लिम बस्ती है, जहाँ जहाँ दलित बस्ती है, मैं सब में पहले आप जिस वार्ड में आप खड़े हैं, उस वार्ड में यहाँ पर मुस्लिम दलित बस्ती, यहाँ पानी की बहुत किल्लत है। ये जो सातारा परिसर है, सातारा परिसर में यहाँ आमदार रहता है, आमदार ने यहाँ बाजू जो पैटर्न से रोड आ रहा है, उसमें जल वाहिनी बड़ी है, जो 1600 की लाइन है, वो 1600 की लाइन के लिए वो आमदार ने खुद के घर के लिए जहाँ वो रहता है, एक बिल्डर को बेनिफिट करने के लिए उसने बाजू में जिस फ्लैट में रहता है, उस फ्लैट का कीमत 1.5 करोड़ रुपया है, 1.5 करोड़ रुपया। और उसके आजू बाजू में जो रहते हैं, उनको बेनिफिट खाली पानी मिलने के लिए उसको वहां के बिल्डर ने उसको एक फ्लैट दिया और उसने वहां पे पानी दिया। वही बाजू लग के जो बस्ती है, बस्ती में पानी की आज भी किल्लत है। 6 दिन को पानी आ रहा है, 8 दिन को। मैं आपको बताते चलो, मेरे मिसेस औरंगाबाद महानगर पालिका की विरोधी पक्ष नेता है, हर टाइम यहाँ के मनपा के आयुक्त को वो बोलती है, झगड़ती है, जब जब मीटिंग रहती है, जीबी रहती है, वो जीबी में हर टाइम में जहाँ जहाँ दलित बस्ती, मुस्लिम बस्ती, वहाँ के मिसाइल, वहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात मेरे मिसेस का। किसान को लेकर आपकी पार्टी क्या करेगी, जो बड़ी सौगात होगा किसान के लिए? हमारी पार्टी जो आज जो महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा की सरकार है, वो जो नहीं कर सकी, मैं आपको बताता चलूं, जिस दिन हमारे 40 उम्मीदवार है, 40 उम्मीदवार चुन के आएंगे, सब में पहले हम जो इतने किसान है, जो किसानों की हक की बात हम करेंगे, जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। और तो और उसमें महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सुशिक्षित बेरोजगार बहुत सारे लोग हैं, चाहे दलित है, मुस्लिम है, OBC है, उनको रोजगार देने का काम अभी फिलहाल में हमारे खासदार औरंगाबाद के इम्तियाज जलील साहब ने जो काम किया है, एक यूनिट तैयार किया। यूनिट तैयार करने के बाद इतने जितने भी यहाँ के इंडस्ट्रीज है, उनकी मीटिंग ली और उन मीटिंग में कहा गया, जहाँ
समाज यहाँ बेरोजगार बच्चे हैं उनको काम देने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम पार्टी कर रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।